हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। गणपति का फेस्टिवल चल रहा है और रोज बप्पा को भोग लगाने के लिए हम कोई ना कोई नया प्रसाद जरूर बनाते हैं। तो चलिए आज हम भी कुछ बनाते हैं। वी आर मेकिंग अ वेरी डिफरेंट एंड अ यूनिक मोदक रेसिपी टुडे। वी आर मेकिंग टुडे चॉकलेट मोका मोदक। अगर आपको चॉकलेट और कॉफी दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है, देन दिस विल कम एज अ परफेक्ट ट्रीट फॉर यू ऑल। हियर इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सिंपल रेसिपी। तो शुरुआत करते हैं इसे बनाने के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप मिल्क और इसमें मैं मिक्स कर दूंगी एक टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि कोई लम्स ना रहे और कॉफी का टेस्ट अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए मिल्क में। जैसे ही ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, कोई भी लम्प नहीं रहेगा, हल्का सा ये गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसमें डाल दूंगी एक कप मिल्क पाउडर और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जो भी लम्स बन रहे हैं उसे आप स्पैचुला की मदद से तोड़ते चलिए और इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बहुत ही सिंपल और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है ये। बहुत ज्यादा देर इसमें बिल्कुल नहीं लगेगी, बट मेक श्योर कि आप ये लम्स अच्छे से ब्रेक करते चलें। और गैस की फ्लेम इस समय मैंने मीडियम पे ही रख रखी है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें काम नहीं करना है। लगातार इसे चलाते रहिए ताकि ये मिक्सचर नीचे पैन को लगे नहीं। अब जैसे ही ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, मैं इसमें डाल दूंगी 5 टेबलस्पून के करीब ग्रैन्यूलेटेड शुगर और 2 टेबलस्पून के करीब घी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि ये डो कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। इसमें अराउंड 3-4 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो फॉर नाउ आई विल कीप स्टरिंग दिस कंटिन्यूअसली। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है और पैन के साइज भी छोड़ने लगा है। अभी हमें इसे और चलाना है तब तक जब तक कि ये पूरी डो कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। आप देखिए ये पूरा मिक्सचर एक डो की तरह हो गया है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ये रिड्यूस हो चुका है और एक साथ आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब अनस्वीटेंड कोको पाउडर। हमें कोको पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से इस मिक्सचर में मिक्स कर देना है। इस पॉइंट पे मैंने गैस को एकदम लो फ्लेम कर दिया है। आप देखिए कोको पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। दिस मिक्सचर इज नाउ रेडी। हमें इसको फर्दर कुक नहीं करना है। इस मिक्सचर को अब मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में ठंडा होने के लिए। ये मिक्सचर अभी बहुत ढीला है इसलिए इसके मोदक अच्छे नहीं बन पाएंगे। हमें इसे थोड़ी देर का रेस्टिंग टाइम देना है, करीब आधा घंटे के लिए, और उसके बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो ये फर्म हो चुका होगा। आप थोड़ा सा इसका गोला बना के यूं हाथों में देखेंगे तो दिस इज गुड इनफ नाउ फॉर मेकिंग मोदक। ये अपनी शेप अच्छे से होल्ड कर रहा है। अब मैं एक मोदक बनाने वाला सांचा लूंगी। आप चाहें तो इस मिक्सचर को डायरेक्टली सांचे में डाल के इसके मोदक बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट करेंगे। मैं यहाँ पे एडिबल गोल्ड डस्ट ले रही हूँ और एक ब्रश की मदद से इसको मैं लगा दूंगी इस सांचे में। और अब मिक्सचर का थोड़ा सा हिस्सा लेके मैं इस सांचे को इस मिक्सचर से भर दूंगी मोदक बनाने के लिए। इस मिक्सचर को जेनरसली इस मोल्ड के अंदर डालिए ताकि मोदक की शेप बहुत अच्छे से निकल के आए। हर तरफ से अच्छे से प्रेस कर दीजिए और एक्सेस मिक्सचर हटा दीजिए। यहाँ पे मैंने गोल्ड डस्ट इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो गोल्ड वर्क भी आती है मार्केट में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके मोदक बन के रेडी हो जाए उसके ऊपर आप गोल्ड वर्क लगा सकते हैं। अगर आप कॉफी और चॉकलेट दोनों ही पसंद करते हैं तो यू कैन नॉट मिस द टेस्ट ऑफ दीज मोदक्स, दे आर एक्सट्रीमली टेस्टी। अब देखिए ये मोदक हमारा बन के रेडी हो गया है और ये कितना सुंदर दिख रहा है। हियर यू गो। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और आपको एक और मोदक बना के दिखाती हूँ।
अगर आपके सांचे में मोदक चिपक रहा है तो आप इसे बनाने से पहले मोल्ड को घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद गोल्ड डस्ट लगा के सांचे को अच्छे से इस मिक्सर के साथ भर दीजिए। हर तरफ से दबाइए ताकि मिक्सर अच्छे से इस मोल्ड में फिट हो जाए। एक्सेस रिमूव कर दीजिए और आपका मोदक हो जाएगा रेडी। है ना सिंपल सी रेसिपी और बहुत जल्दी भी बन जाने वाली है। तो इस गणेश चतुर्थी इसे जरूर बनाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कैसी लगी आपको। When you try this recipe, don't forget to share your pictures with us on Facebook or Instagram. दोनों ही जगह we are present by the name Nurturing Homes. If you really love watching our videos, do like, share and comment. Subscribe to Nurturing Homes and hit the bell icon next to it so you are notified whenever we upload our next video. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next recipe soon. Bye-bye.